हेलो एवरीवन, इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन अपने होस्टिंग सर्वर पे कैसे करते हैं। इस सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि होस्टिंग क्या है या होस्टिंग सर्वर कौन कौन से होते हैं। होस्टिंग आपकी दो तरह से आपको मिलती है, एक लिनक्स एक विंडोज़। जो अभी हम जिस पे काम करने वाले हैं वो हमारा जो पैरेलल पैस्क होता है वो है, और ये लिनक्स होस्टिंग है। आप पैरेलल प्लस को आप विंडो सर्वर पे भी चला सकते हैं, ये थोड़ा आपको जीयूआई इसका अच्छा मिलेगा आपको। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमारा पैरेलल प्लस पैनल है उस पर हम अपने वर्डप्रेस की होस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं होस्टिंग पैरेलल प्लस की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको होस्टिंग परचेज करना होगा, जिसमें कि हम फ्री डोमेन नेम आपको दे रहे हैं, SSL फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कुछ ईमेल आईडी भी दे रहे हैं और वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करके दे रहे हैं। बट हम अभी यहाँ पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करते हैं। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करने के लिए जो हमारी तरफ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉग इन कर लेना है। ये आपको उसका कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आप अपने लिए कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको और हमसे आगे डोमेन नेम बना के और अपने लिए कस्टमर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लाइक ईमेल आईडी, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो ये आप कस्टमर का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपने डोमेन नेम परचेज किया है उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जब भी आप हमसे ये होस्टिंग परचेज करेंगे तो इस होस्टिंग पैनल में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो होस्टिंग पैनल है ये लिनक्स होस्टिंग है और इसमें जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो पैरेलल पास्क का हुआ है। तो ऐसे हम अपना डोमेन नेम यहाँ पे ऐड करते हैं, वो डोमेन नेम जो हमने गोडैडी से या किसी भी डोमेन रजिस्ट्री से हमने परचेज किया होता है, और SSL भी हम यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिव कर सकते हैं। तो डोमेन नेम ऐड करने के बाद हम होस्टिंग सेटिंग यहाँ पे चेक करते हैं, यूज़र नेम बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, और वो डोमेन नेम हमारा जब उसकी सेटिंग क्लियर हो जाती है फिर हम उसको सब्सक्रिप्शन उसका ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन में बेसिकली आप FTP क्रिएट करेंगे, उसकी IP आप सेट करेंगे कि उसकी जो डोमेन नेम है आपका जो होस्टिंग है उसकी IP क्या है, उसका यूजर नेम आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो FTP है उसको आप बनाएंगे, FTP के जो क्रेडेंशियल है उसको बनाएंगे। FTP का जनरली फायदा जो होता है वो तब होता है अगर आपको बार बार होस्टिंग परचेज सॉरी जब बार बार आपको होस्टिंग ओपन नहीं करनी होती है, आप सिर्फ फाइल जिला या कोर FTP डाउनलोड करके उसमें आप अपने ये क्रेडेंशियल डाल देते हैं, तो एक सिंगल क्लिक पे ही आप सीधा अपने जो जो रूट फोल्डर होता है HTTP डॉक्स या फाइल मैनेजर होता है, सीधा आप वहाँ पे जाके आप लॉगिन करके अपनी फाइलों को अपग्रेड कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जब हम ऐड करते हैं तो वहीं पे हम SSL भी एक्टिवेट कर सकते हैं और जो हमारा पूरा जो होस्टिंग है उसको कस्टमाइज करते हैं, लाइक कि हमें वो कितनी ईमेल आईडी रखनी है, या अगर हम किसी कस्टमर को अगर ये हम परचेज सेल कर रहे हैं तो उसमें कितना हम उसको ईमेल आईडी दे रहे हैं या कितना GB स्पेस दे रहे हैं, ईमेल आईडी के लिए कितना स्पेस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सेटिंग होती हैं, सारा कस्टमाइजेशन होता है, ये जब हम सब्सक्रिप्शन बनाते हैं तो ये तब हम वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा एक पैरेलल प्लेस्क का एक थोड़ा सा ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में सबसे पहले हमने कोई कस्टमर बनाया, उसका डोमेन नेम ऐड किया, फिर वहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमने ऐड किया, उसका हमने सर्विस प्लान ऑलरेडी डिफॉल्ट होते हैं तो सर्विस प्लान दिया। तो अब जैसे देख रहे हो डिस्क स्पेस हमें कितना देना है, तो ये भी हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जैसे हमें 5 GB स्पेस किसी को देना है या 10 GB स्पेस किसी को देना है, तो ये भी हम यहाँ पे ऑलरेडी हम इसको कस्टमाइज करते हैं। तो मेल बॉक्स कितना देने हैं ये भी हम यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब होस्टिंग परचेज कर लेते हैं उसके बाद में जो होस्टिंग पैनल हमको मिलता है उसमें लॉगिन करने के बाद हमको ये चीज़ें करनी होती हैं। सब्सक्रिप्शन बनाना ऑब्वियस जरूरी है क्योंकि हमें वो कस्टमाइज सब्सक्रिप्शन देना होता है अपने कस्टमर के लिए। अगर हम मुझसे परचेज करते हैं होस्टिंग तब भी मैं इसी लॉगिन पैनल में जा करके, इस तरह का ही मेरा लॉगिन पैनल होगा, वहाँ से मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन बनाऊंगा कि मैं आपको कितने GB स्पेस दे रहा हूँ, मैं आपको कितनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरा ये सब्सक्रिप्शन ऐड हो गया डिजिटल EDU स्टार, ठीक है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस डोमेन पे क्लिक करूँगा और इस पे इंस्टॉल करूँगा वर्डप्रेस।
तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मेरे को, आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर है, डेटाबेस है, और आपका यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट है। अभी मैंने क्योंकि एसएसएल लिया नहीं है, सिक्योर नहीं किया है, तो नॉट सिक्योर आ रहा है अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब एचटीटीपी डॉक्स में गए तो अभी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे index.html फाइल पड़ी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सब्सक्रिप्शन जैसे ही हमारा क्रिएट हो जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस, यहाँ पे एक टूल किट है, वर्डप्रेस टूल किट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया वर्डप्रेस टूल किट पे, वर्डप्रेस टूल किट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टॉल, इस इंस्टॉल पे अब हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो डोमेन नेम है उसके आप किस पाथ पे दे रहे हो, जैसे आपने किया digitaledustar.com, आप इसी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो, या digitaledustar.com/blog, ब्लॉग पे आप करना चाहते हो, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप /blog पे आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे या मेन डोमेन पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे, जब आपको पाथ सेट हो गया, उसके बाद वर्जन भी आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। आप ये चेक कर लें कि करंट में वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा चल रहा है, तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा आप वहाँ से वो भी उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे अभी करंट में चल रहा है 5.5.1, आप चाहें तो इसको दूसरा कोई भी वर्जन चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होता है, यहाँ पे क्रेडेंशियल उसके बनाने होते हैं। ध्यान रखें ये पासवर्ड आप ना भूलें, क्योंकि इसी पासवर्ड का यूज आपको जा करके जो आपकी जो वेबसाइट है, लाइक digitaledustar.com, ये भी मेरा डमी डोमेन नेम है, digitaledustar.com/wp-admin, याद रखें wp-admin, ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होता है। wp-admin पे जा करके वहाँ पे आपको जो यहाँ पे आप क्रेडेंशियल बना रहे हैं, जैसे यूजर नेम हुआ आपका एडमिन, पासवर्ड हुआ digitaledu@tar, तो इस इन दोनों का यूज करके आपको वहां पे आप लॉग इन हो जाएंगे जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होगा, जहां से आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट कस्टमाइज करनी है, जहां से आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। तो इस वेबसाइट के आपको वर्डप्रेस का जो एडमिन है, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना .com नेम लिखना होगा। .com लिखने के बाद wp-admin ओपन करना है, और जो आपने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आप बना रहे हैं, उन यूजर नेम पासवर्ड का यूज आपको वहां पे करना है, जिससे कि आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, और वहां से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। ओके, जब हम ये आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपका अगर मन है, अगर आप चाहें कि आप सिर्फ ये सारी होस्टिंग, ये डोमेन नेम आप हमसे ही परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, रोजर पे का लिंक है, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आप ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, और ये सब हम आपके लिए खुद करके दे देंगे, और आपको मेल पे हम ये सारा आपका एडमिन डोमेन नेम ये सब हम आपको आपके मेल पे फॉरवर्ड कर देंगे विद इन 24 आवर्स आफ्टर पेमेंट, सक्सेसफुली पेमेंट। तो जैसे आपने यूजर नेम बना लिया, पासवर्ड बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका डेटाबेस है ये बहुत मेन है, आपको अपना डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस का पासवर्ड बनाना है। क्योंकि होता क्या है, जब आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट का मतलब हो गया कि वहां पे डेटाबेस इन्वॉल्व है, वहां पे बैकएंड में, तो डेटाबेस जो होगा वहां पे वो डायनेमिकली क्रिएट आपकी जो वैल्यूज हैं वो बनाता है। लाइक कि जब आप पेज क्रिएट करते हैं, आपको इंक्वायरी जनरेट करते हैं, आपको शॉपिंग करेंगे आप वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वो सारा मेंटेन होगा डेटाबेस से। तो ये जो डेटाबेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कुछ चीजें गलत चली गई तो डेटाबेस में जाके आप डायरेक्ट भी वहां से चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान से रख के बनाना है, और इनका जो पासवर्ड है वो आप सेव कर लें, अदरवाइज आपको फिर से इसी होस्टिंग पैनल में जाके आना होगा, और वहां से वो सारी फिर से रीसेटिंग करनी होगी। तो ईमेल आईडी आप अपनी रखें, क्योंकि अगर आप मान के चलो ईमेल आईडी भूल गए, तो उस ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ईमेल आईडी भी अपनी वो रखें, जिससे कि आप, आपकी जो ईमेल आईडी है आप जनरली यूज करते हो, ऐसे ईमेल आईडी ना रखें जो आप यूज ना करते हो, अदरवाइज इसका अगर आप पासवर्ड भूले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उससे आप पासवर्ड अपना रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी जैसे ही हमारा ये इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, अब हम इंस्टॉलेशन पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, डीएनएस में जाके हम ये जो डीएनएस आप देख रहे हो, NS1
nstu.digitaledustar.com और nstu.digitaledustar.com, इन दोनों नेम सर्वर, जो DNS बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों नेम सर्वर को उठा के आपको जहां से भी आप डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं वहां नेम सर्वर में जाके उसको पोस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, ये होस्टिंग उस डोमेन नेम से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी डोमेन नेम खरीदते हैं, कोई भी होस्टिंग खरीदते हैं, यही वो दो नेम सर्वर होते हैं जिससे आपको अपनी डोमेन नेम को होस्टिंग से कनेक्ट करना होता है। इससे आपकी होस्टिंग डोमेन नेम से कनेक्ट हो जाएगी और आप जो है अपनी वेबसाइट को रन कर पाएंगे। तो जो पूरा प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि डोमेन नेम परचेज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, होस्टिंग का पूरा प्रोसेस मैंने कुछ भी पहले लास्ट की वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको डोमेन नेम, फ्री डोमेन नेम कैसे परचेज करें वो भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं तो, और उसको डोमेन नेम से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये भी पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि ये सारा प्रोसेस डोमेन नेम परचेज करने का प्लस होस्टिंग परचेज करने का आप खुद भी कर सकते हैं कहीं पर भी जाकर के किसी भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से। बट अगर आपको हमसे परचेज करना है, मैं एक सिंगल क्लिक पे आपको ये सारा हम लोग प्रोवाइड करा देंगे जिसमें फ्री डोमेन नेम होगा, SSL होगा, ईमेल IDs होंगी और ये पूरा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन होगा और आपको हम WP एडमिन के क्रेडेंशियल तक शेयर कर देंगे। फिर WP एडमिन में जाकर के, वर्डप्रेस एडमिन में जाकर के उसके डैशबोर्ड पे आप अपने लिए वेबसाइट अपनी कस्टमाइज करेंगे। अब अगर आपको वेबसाइट भी हम ही बना के आपको दें, उसके लिए आपको नेक्स्ट कोर्स में हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएं, उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हम क्या फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हम परचेज कर सकते हैं, उन सब पे हम आगे बात करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।